शीला के रसोई में आप लोगों को स्वागत है। आज बनाना आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। चलिए मेरे स्टाइल का आइसक्रीम देखिए कैसे हम बनाते हैं। देखिए दो केला है, इसको साफ कर लिए हैं केला को। बनाए कस्टर्ड, बन गया आइसक्रीम। सोचे कि चलो इस तरह से बना लेते हैं तो आइसक्रीम बन जाएगा। इस तरह से इसको छोटा छोटा टुकड़ा कटिंग कर लीजिए। दो केला है, आपको जितना केला बनाना होगा बनाइएगा। इस तरह से भी एक बार आइसक्रीम बना कर देखिएगा, अच्छा बनेगा। हम कितना बार बनाए हैं बनाना आइसक्रीम, लेकिन आज बनाने का मूड में नहीं थे। लेकिन देखिए कि थोड़ा सा दूध है, कस्टर्ड बनाने जा रहे हैं तो चलो आइसक्रीम बना लेते हैं। इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा काट लिए। केला है, इसको हाथ से ही इसमें डाल देते हैं। जार है, इसमें जो दूध है इस दूध में चीनी भी मिला हुआ है। कस्टर्ड पाउडर भी मिलाए हैं। इलायची जो है उसको कूट दिए, ये भी इसमें डाल देते हैं। इसको मिक्सी में पीसते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। पूरे अच्छे से देखिए इसमें जमाना चाहते हैं आइसक्रीम। देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया है, बहुत अच्छा फ्लेवर रहेगा। इलायची भी डाल दिए हैं। उसके बाद कागजी बादाम है, इसे ऊपर से थोड़ा सा सजा देते हैं। ये बनाना आइसक्रीम बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से आप लोग घर पर बनाइएगा, देखिएगा कैसा लगा। और इसको अल्मोनियम कॉयल से इसलिए ऐसे कर देते हैं कि अंदर में एयर नहीं जाए, अच्छे से आइसक्रीम जम जाएगा। देखिए इसको फ्रिज में रख देते हैं कम से कम 8 घंटा के लिए, उसको फिर तैयार हो जाएगा तो फिर आपको दिखाएंगे। देखिए आइसक्रीम तैयार हो गया है। अब इसको खोल लेते हैं। चलिए देखिए, वाह कितना अच्छा आइसक्रीम तैयार हो गया है। देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको हम निकालते हैं कटोरा में। वाह देखिए इतना अच्छा है। इस तरह से बनाना आइसक्रीम आप लोग भी तैयार करिएगा घर में। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और एक क्या कहते हैं केला जो था वो बुझिए तो खराब ही था, क्या करेंगे इस केला को, पका हुआ केला को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ओ माय गॉड। देखिए इस तरह से आप लोग भी बना करके आइसक्रीम खा सकते हैं हर फ्लेवर का। देखिए मेरा आइसक्रीम तैयार हो गया। और आपके पास है तो ऊपर से ड्राई फ्रूट्स फिर से डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है। देखिए
कितना अच्छा आइसक्रीम लग रहा है, देखिए देखिए। अच्छा एक चम्मच भी डाल देते हैं तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, देखिए। अब देखिए आइसक्रीम तैयार हुआ ना, बनाना आइसक्रीम। इस तरह आप लोग भी अपना घर में बनाइएगा और खाइएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप लोग भूल जाते हैं, सिर्फ बना कर खा लेते हैं और बेल आइकन नहीं दबाते हैं, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।